है उससे बनाया है, उसे पायरोलाइसिस की प्रोसेस है, जिसमें ये कंडीशन है कि वहाँ पर कंडीशन हमेशा एनारोबिक होनी चाहिए। एनारोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वायरल फंक्शन नहीं हो पाएगा। और सेकेंड ये है कि इसको 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में बनाया गया। जब मैंने इसका एक्सपेरिमेंट वीट के सीड के ऊपर किया तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये ना केवल वीट के प्लांट की ग्रोथ में ही हेल्पफुल है, बल्कि वीट का जो सीड है उसकी डेंसिटी भी काफी अच्छी है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी काफी हेल्पफुल है और वाटर की पोर्टिटी को भी इंक्रीज करता है, वाटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है। सर मेरा ये मेरा इसको बनाने का मोटिव ये है कि जैसे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर जो हम खेतों में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स एक्सपेंसिव मतलब बहुत लॉस पहुंचाते हैं। जैसे फर्टिलाइजर बारिश होने पर मतलब कि पानी जाता है तो पानी भी फर्टिलाइजर से पॉल्यूटेड हो जाता है और हमारा जो एनवायरमेंट है उसकी CO2 का कंटेंट भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जिससे कि टेम्परेचर राइज होता जा रहा है। तो ये इसको बनाने इसको यूज करने से जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी रिड्यूस होगा। आपने बनाया कैसे फिर से बताओ एक बार धीरे धीरे प्रोसेस को स्टेप वाइज। इसको बनाने की प्रोसेस पायरोलाइसिस है। क्या कहा इसे पायरोलाइसिस है, जिसमें मैंने घास के ये खेत है हाँ। इसको मैंने सिंपल सबसे पहले ऐसे चेंज किया, छील ली, छील ली के बाद काम ये ठीक है। इनसे क्या किया, इसको मैंने सिंपल सबसे में चेंज किया, उसके बाद और छोटा छोटा किया है ऐसा। उसके बाद मैंने इसे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बनाया है और एनारोबिक कंडीशन होनी चाहिए, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हुई तो ये केमिकल खराब हो जाएगा, बनेगा नहीं। तो कैसे, तो आपने हीटर के ऊपर ओपन रखा है? ओपन रखा सर, इसके अंदर एक ऑक्सीप्रास नाम की एक डिश होती है जो एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करती है। किसके अंदर होती है? इसके अंदर है। अच्छा। होती है सर, मार्केट में अवेलेबल है, उसे रखा है इसके अंदर। इसके अंदर रखा है कि ऊपर रखा है? अंदर रखा है सर, ये कंटेनर है, एक कंटेनर रखा है हीटर में और कंटेनर के अंदर ऑक्सीप्रास नाम की डिश है, उसके ऊपर ये केमिकल। अच्छा, ऊपर से ऊपर है सर, वो ऑक्सीप्रास जो रखी है ना बाहर निकाला है। अच्छा, बंद मतलब बंद होगा ये, अभी सिर्फ शो करने के लिए। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, देन उसके बाद ये हां, फिर उसके बाद इसका यूज करा हमने, उसके बाद ये बन गया। हां, उसके बाद मैंने इसका यूज पर ये वाली जो फसल लगा रखी वीट की, इसमें मैंने ये नहीं डाला है तो इसकी डेंसिटी इतनी आई ऐसी आई, बट इस वाले में मैंने यूज किया है इसमें और इसमें, तो इसकी डेंसिटी ऐसी, इसकी डेंसिटी ज्यादा है ये और ये। वेरी गुड।